हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं कोमल नाहटा। शानदार मानो ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दी है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है। अलग अलग सेंटर से, अलग अलग सिनेमा से ये खबरें आई हैं कि लोग बीच में ही फिल्म छोड़कर जा रहे हैं। जी हाँ, दिस वन हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड कम्प्लीटली बाय द ऑडियंस। और फिगर्स भी यही बताते हैं। फिल्म ने शुरुआत तो अच्छी ले ली क्योंकि दशहरे की छुट्टी के दिन रिलीज हुई थी। इट वॉज अ थर्सडे रिलीज और थर्सडे को इस फिल्म के कलेक्शंस थे करीब 12 करोड़। ऑफ कोर्स दशहरे की छुट्टी की अगर बात की जाए तो इट वाज नॉट रियली अप टू द मार्क, बट साथ में एक डिसएडवांटेज भी था। इंडिया और साउथ अफ्रीका का क्रिकेट मैच था, एक्साइटिंग क्रिकेट मैच था, जिस वजह से बहुत से लोग टेलीविजन के सामने बैठे थे, ना कि सिनेमा घर गए। बट ओवरऑल 12 करोड़ वाज अ गुड फिगर बिकॉज इससे पहले शाहिद कपूर की किसी फिल्म ने ऐसी शुरुआत नहीं ली है। बट क्योंकि रिपोर्ट्स, पब्लिक रिपोर्ट्स बराबर नहीं थी, इसलिए दिन ब दिन कलेक्शंस घटते गए। थर्सडे के 12 करोड़ के सामने फ्राइडे को 7.25 करोड़ का ऑल इंडिया टोटल हुआ, ओनली 7 करोड़ एंड 25 लाख। ऑफ कोर्स अगर एक छुट्टी होती है उसके दूसरे दिन कलेक्शंस डेफिनेटली गिरते हैं, लेकिन इतना बड़ा ड्रॉप दैट वाज नॉट नॉर्मल। सैटरडे को कलेक्शंस और भी कम हो गए एज अगेंस्ट 7.25 करोड़ यानी 7 करोड़ 25 लाख ऑफ फ्राइडे। सैटरडेज नेट ऑल इंडिया टोटल वॉज 6 करोड़ एंड 75 लाख यानी 7.25 करोड़ शुक्रवार को और 6.25 करोड़ शनिवार को और रविवार थ्रू द बिगेस्ट शॉक फॉर द फिल्म। रविवार को फ्राइडे और सैटरडे से भी कम कलेक्शंस थे। रविवार का टोटल हुआ केवल 5.25 करोड़ रुपए यानी 12 करोड़, 7.25 करोड़, 7.25 करोड़ और सिर्फ 5.25 करोड़, गिविंग अ वीकेंड टोटल ऑफ 31 करोड़ 25 लाख का वीकेंड टोटल। और माइंड यू, दिस इज अ 4-डे वीकेंड और इस फिल्म को चाहिए कम से कम 60-65 करोड़ का नेट टोटल इफ इट हैज टू जस्ट ब्रेक इवन, जो कि नामुमकिन है बिकॉज अगर 4 दिनों में सिर्फ 31.25 करोड़ हुए और अब ड्रॉप इतना ज्यादा ड्रॉप है कि यह फिल्म 45 करोड़ भी पहुंच पाएगी या नहीं, वो भी देखने वाली बात है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी this one will not even touch 45 करोड़। लोगों ने जब ये फिल्म रिलीज नहीं हुई थी तब लोगों ने ये सोचा था कि पहला वीकेंड ही शायद 50 करोड़ का होगा और अब पूरे लाइफ टाइम में भी 50 करोड़ नहीं, 45 करोड़ भी शायद नहीं होंगे। तो दिस वन इज अ ह्यूज ह्यूज लॉस मेकिंग फिल्म फॉर फॉक्स स्टार स्टूडियोज एंड एवरीबडी कंसर्न्ड विद द फिल्म। प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे ही लोग इस फिल्म में पैसे गंवाएंगे और बहुत सारा पैसा गंवाएंगे। तो ये तो ही बात बिजनेस की, वीकेंड बिजनेस की। आइए अब मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। दोस्तों, इस शुक्रवार को बहुत सारी फिल्में आ रही जिनमें से एक है लव एक्सचेंज और आज हमारे स्टूडियो में लव एक्सचेंज की लीडिंग टीम ज्योति शर्मा और मोहित मदन बैठे हैं। आइए उनसे चर्चा शुरू करते हैं। वेलकम टू अनमोल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सो मच। ये लव एक्सचेंज, कौन एक्सचेंज कर रहा है, किसके बदले? दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। बेसिकली आई एम प्लेइंग अ मराठी बॉय, मिडिल क्लास, सिद्धार्थ साठे, एंड ये प्ले कर रही हैं शन्नो कपूर, a Punjabi girl, a very loud Punjabi girl, and we are basically opposites, and opposites attract जो हो ही जाता है आजकल, तो वही हुआ। तो यहाँ तक तो it's a simple love story, and how it stays simple is our fathers find out that we are dating, and then it's no more simple. Then it becomes simply complicated, okay. And how that happens is when the fathers say कि बच्चे कमा रहे हैं, independent हैं, जो आजकल का youth है, तो अगर भागकर शादी कर ली ना इन दोनों ने तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए। मतलब दोनों समझदार भी हैं तो लाइक ही सेड इंडिपेंडेंट है, अगर कुछ हो गया लाइक बोलेंगे ठीक है आप लोगों को जो करना है करो, हम जा रहे हैं। तो बेसिकली वो प्लान बनाते हैं कि ताकि हमारे बच्चे हमारे पास रहें और हम इनको अलग कर दें। तो दोनों के पेरेंट्स प्लान बनाते हैं, the fathers, not mothers. Mothers are not involved. उनको कुछ पता नहीं है। Acceptable warmth. तो जो fathers हैं वो बोलते हैं कि अपने आप मान जाए, कुछ ऐसा करते हैं। ना हमें आपकी पंजाबी लड़की में इंटरेस्ट है, ना हमें आपके मराठी महाराष्ट्रन बॉय में इंटरेस्ट है। तो दे डिसाइड कि 3 महीने तक जो मराठी बॉय है, महाराष्ट्रन बॉय विल गो टू द पंजाबी हाउस होल्ड। तो एक्सचेंज ये हो रहा है, एंड द गर्ल विल कम एंड स्टे इन द महाराष्ट्रन हाउस होल्ड to understand each other's cultures, adapt कि आप लोग प्यार तो करते ही हो लेकिन क्या आप एडजस्ट कर सकते हो आगे। अच्छा, इसलिए एक्सचेंज। लेकिन तो यहाँ से हमारा एक्सचेंज होता है और हमारे परीक्षा ली जाती है कि देखते हैं अब बताते तुम लोग को बड़ा शौक है ना इंटरकल्चरल मैरिज करने का, बड़ा शौक है ना प्यार करने का जवानी में और ये सब। तो बट हमें लगा ठीक है कर लेंगे प्यार के लिए भी पास, बट हमारे फादर्स तो ऑलरेडी मिले हुए हैं ना, कॉमन गोल जो एनिमी का होता है दे बिकम फ्रेंड्स। तो मेरी तो खूब पिटाई होती है अंकल जी से। पिटाई नहीं, मतलब इट्स लाइक पिटाई हो गई यार। आटा गूंदा क्या क्या किया इसको फुल ऑन मेरे ढाबे में काम करना पड़ा, क्योंकि पापा ने पहले ही बोला था कि अगर तुम हमारे घर आ रहे हो तो तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना पड़ेगा। और बिजनेस संभालने का मतलब यू आर द ओनली डॉटर। No, I'm not the only daughter. मेरी बड़ी बहन भी है, but she's married. And no brothers. No brothers. तो dad is like कि अगर तुम्हें मेरी बेटी चाहिए तो तुम पहले मेरा ढाबा संभालो। इधर बेचारे I guess तुम वेटर भी बने थे ना? हाँ, इनके पापा के लिए वेटर भी बन गए। He was serving food to clients and रोटी भी बना रहा है, भले दुनिया का कोई भी नक्शा बना रहा है पर बना रहा है। Thought that counts यार, effort होना चाहिए बस। और जैसे ये मेरे ढाबे में काम कर रहा था, वैसे ही मैंने बाबा के लिए और आई के लिए काम, जैसे आई स्कूल में पढ़ाने जाती उनके साथ गई पढ़ाने के लिए, उनके लिए साड़ी पहनी क्योंकि टू बी एन आइडल बहू, महाराष्ट्रन बहू, मैंने साड़ी सीखी, मेरी आई ने मुझे सिखाया, खाना बनाना सिखाया मुझे, जो टिपिकल महाराष्ट्रियन फूड होता है, लाइक ब्रेकफास्ट हम कांदे पोहे से शुरू करते हैं, तो हमारे बाबा को वो बहुत पसंद है ना, तो उनके लिए मैंने वो पसंद है, लेकिन उनको तुम पसंद नहीं हो अभी। तो मतलब बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब हर एक पॉइंट पे अच्छा अभी ये हो रहा है, चलो अभी मैं इसकी ना लाइन खींचता हूँ, टांग अड़ाता हूँ मैं अभी बीच में। Just basically वो चाहते हैं कि हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएं कि you yourselves run away from the marriage। कि अपने कल्चर में basically in India we usually most of the time जो हमारे values हैं we take our families ahead with us। आजकल के टाइम में I understand थोड़ा बहुत होता है, लोग भूल जाते हैं ये सब, लेकिन later on they realize that the parents have brought you up where you are today। Correct। तो हमने ये कहा है कि भाग के शादी करनी है करो, लेकिन फैमिलीज को लेके भागो। हाँ, मतलब अगर भाग के शादी करना इज अमेजिंग, मतलब कितना अच्छा एडवेंचर है कि भाग के मैंने शादी की, लेकिन अपने परिवार के साथ भाग के शादी की। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग, लाइक सलमान सर का जो डायलॉग है इसमें किक है, तो इसमें किक है यार, इसमें मजा है असली। तो ये फिल्म आप लोगों को कैसे मिली? आप लोगों के बैकग्राउंड्स क्या हैं? दोनों की पहली फिल्म है, आपके प्रोड्यूसर की पहली फिल्म है, आपके डायरेक्टर की पहली फिल्म है, तो आपके बैकग्राउंड्स से शुरू करते हैं। आप कहाँ से हैं, कैसे आए इस इंडस्ट्री में? पहले ये बोलें, बिकॉज अगर ये बोलेंगे तो ये इसलिए यही इनका कैरेक्टर है, बोलती बहुत है। अच्छा, तो लेकिन ये अच्छी क्वालिटी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनसे शुरू करते हैं। शो के लिए तो हमेशा अच्छा है कि कोई बहुत ज्यादा बोले है ना, मेरे को बड़ा मजा। मैं स्टार्ट करूंगा, फिर ये बाद में आएंगे तो खत्म नहीं होएगा सब। नहीं, मुझे बात करने में बहुत मजा आता है यार। और मेरी मम्मा जो नीलू कोहली जी हैं, वो भी बहुत बात करती थी, तो हम लोग हमारे पंजाबी कल्चर में यार फुल ऑन एकदम लाउडली एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। तो यस, मुझे खैर बातें करने की बातें छोड़ती हूँ मैं। Basically, I'm from MP, Madhya Pradesh, a very small town called Satna. Satna से? Yeah, I wanted to be a choreographer. मुझे कोरियोग्राफर बनना था, क्योंकि मुझे शुरू से ना डांस करने में बड़ा मजा आता था, स्पेशली बॉलीवुड। तो डांसेस की ट्रेनिंग ली है? मैंने ऐसे ट्रेनिंग नहीं ली, बट यस मैंने सोचा था मैं ट्रेनिंग लेने जाती हूँ। Okay. तो मैं चंडीगढ़ गई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, बिकॉज मेरी सिस्टर वहाँ पर है, मेरे नैनीहाल वहाँ पे है। पर वहाँ पे जब मैंने मेरे इंस्ट्रक्टर्स को बताया दैट आई वांट टू बी अ कोरियोग्राफर, तो दे वर लाइक कि तुम्हें अगर अपने आप को इंक्रीमेंट करना है, मतलब खुद को पॉलिश करना है, खुद को और अच्छा बनाना है, देन यू स्टार्ट टीचिंग, क्योंकि जैसे जैसे आप सिखाओगे आपके माइंड भी डेवलप होता जाएगा। तो ठीक है, बस वहाँ से फिर मुंबई में वो कोरियोग्राफर वाला सपना लेके आ गई, बट बिकॉज ऑफ माई बैक प्रॉब्लम आई कुडंट परस्यू इट। ओके, तो फिर था मुझे इंडस्ट्री का क्रेज शुरू से, दैट आई वांट टू बी इन दिस इंडस्ट्री। Few people suggested, why don't you go for acting? You're good looking, though I am, but still. But I was like, I want to be like पीछे, पर्दे के पीछे रहना चाहती हूँ मैं, पर्दे के पीछे का काम सीखना चाहती हूँ। तो फिर मैंने डायरेक्शन ज्वाइन किया, मैंने टेलीविजन में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। लेटर ऑन माई फर्स्ट शो अमिता कामत जो है, उनके प्रोड्यूसर्स ने मुझे फोर्स किया कि प्लीज़ हमें ये एक कैरेक्टर चाहिए, तुम प्लीज एक ऑडिशन दे दो, भले बाद में मत करना, बट ऐसे टाइम पास के लिए देकर चले जाओ। ऑडिशन तो दे दो। या बस वहाँ से मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई। मैंने टेलीविजन किया, 3 शोज किए मैंने, सोनी के लिए अमिता कामत एंड स्टार प्लस के लिए दी और बाती हम एंड गुस्ताक दिल फॉर लाइफ। ओके, हाँ, ये 3 शोज किए। फिर ये मूवी मेरे को मिली थ्रू माई मैनेजर। एज हर एक्टर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मीटिंग प्रोड्यूसर के ऑफिस में होती है, हमारी भी वहीं पर हुई। ये मेरी लाइन थी यार, आपने चुरा ली। मैंने नेक्स्ट बोलना है, बट इट्स ओके, यू कैन रिपीट इट। आई विल रिपीट इट। तो ऐसे आप इस फिल्म में आई, और आप जी, मेरी तो एक यूनिक स्टोरी है। I met our director, Mr. Shetty, in a producer's office. Raj Shetty, जो इन्होंने line बोली, and वहाँ पे things didn't materialize. लेकिन our friendship grew, and अपनी दोस्ती बड़ी, मेरे को समझ आ गया character क्या है, and जो हम दोनों ने किया, फिर चलो एक we'll find a producer now. The story is good. We're working at a script level. So from there, I kind of understood scripting and, you know, things, steps of... So, you've also worked on it? Yes. I learned from him, basically. And how the changes were happening in the script, I understood that. And so I wanted to learn the filmmaking process. लेकिन आपका background क्या है? मतलब आप? I'm born in India. Yes, he is a cartoon artist. जी, exactly. I was born here. I was born in India. जब मैं 3 साल का था, हम लोग बाहर चले गए. So I was based in Dubai, and then we shifted to New Zealand. So New Zealand से I returned, and then I was like, you know, अब मेरे को Bollywood भी करना है. तो पहले parents को खुश किया, parents की चीजें, what they wanted basically as well for me. So I educated myself a lot, I think. But the real education will not just come from degrees. It comes being on the streets as well. You should be street smart today. And so I've done, like she said, CPA, which is Certified Public Accountant, equivalent to Chartered Accountant. Chartered Accountant. And so learning is ongoing. It never ends. So, but I wanted to learn this. So I came here. Achha, CPA karne ke bawajood, your heart was in the film industry. My heart was always there. And the reason I even managed to come here, 2 things, family support. I wanted to convince my parents first. And one more reason why this movie is very close to me is because in this we are giving the message that, you know, go with your families. So I didn't come here without my family's consent. ऐसे नहीं कि आप उन्हें नाराज करके आए। जी, मैं तो बहुत लेकर। मैं तो कहता हूँ मैं इंडस्ट्री में बहुत लेट आया। जैसे all youngsters are there. I came after finishing all my studies and this and that. तो मैंने कहा चलो अब मुझे मौका दे दो। मैं भी अपना एक सपना पूरा करता हूँ। So after they said go ahead. लेकिन वापस तभी आना जब स्क्रीन पे कुछ आ जाए। So I said okay, I'll try that. So your family is still in New Zealand? No, now my family is in Dubai. Okay. And I've been in Mumbai for the last 2.5 years, pretty much. And तो यहाँ पे then we were deciding कि चलो ढूंढो कुछ तो है, like you know how tough the industry is. मगर producer फिर इतनी आसानी से मिला आप लोगों को? वही बता रहा हूँ आपको. I'm just coming to that next. तो like I said, it's a very tough industry. आपने बोला आसानी से मिला. आसानी से पहले नहीं मिला, because we looked around. And we couldn't really find anyone. Then the producer turned out to be a very good friend of mine. Okay. She's my childhood friend, Miss Nadia Ali Shirazi. And unki bhi pehli film hai. Unki pehli film hai. And she came to Bollywood to basically we showed her the script and everything. She came to Mumbai and she liked it. She's from? She's from Dubai. She's okay. She's Arab Armenian blood. Okay. तो मतलब आप फैमिली को लेकर नहीं चले, फैमिली और फ्रेंड्स को भी लेकर आ गए। मैंने वही बोला आपको लव एक्सचेंज में यही हो रहा है। तो you move ahead in your life, but never forget the core principles. Take your family and friends ahead with you, and that was the approach we took, and we all worked together. Newcomers की फिल्म बनाना इतनी आसान बात नहीं है बॉलीवुड में। Lot of resistance. Newcomers को कोई चांस नहीं देता है, और newcomers अगर शुरू भी हो जाए तो मुसीबतें बहुत आती है। आप लोगों को भी बहुत सी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। जी, obstacles in a sense, I'll say हम लोग स्क्रीन तक आ रहे हैं, that's a big achievement in itself. Yeah, I mean, it's very tough. छोटी-मोटी problems देखिए हर किसी की life में आती है, चाहे वो किसी भी field में चले जाओ. तो ये stuck together. Yeah. And we managed. The whole set was very positive. We finished the shoot in 24 days. Yeah. Plus 6 days of songs. So 30 days में हमारा सब wrap up हो गया. It's a very simple family love story. But more importantly, हम थैंक यू कहना चाहेंगे हमारी प्रोड्यूसर और हमारे डायरेक्टर को, बिकॉज रूट्स वही हैं हमारे मूवी के. अगर रूट्स आपके मजबूत है तो पेड़ अपने आप हरा भरा होता है. सही सही. तो सबसे बेस्ट बात ये थी, उन्होंने सेट का माहौल इतना पॉजिटिव रखा था. हम दोनों नए हैं इंडस्ट्री के लिए, हम दोनों नए हैं बॉलीवुड के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए. हमारे जो डायरेक्टर है राज सर, उन्होंने एक बार भी हमारे ऊपर ऊंची आवाज़ नहीं की. मतलब एक बार भी हमें डांटा नहीं. भले हम अगर कोई गलती भी कर रहे हो ना, तो बड़े प्यार से हमें समझाया कि नहीं, आई डोंट वांट लाइक दिस, आई वांट लाइक दिस, ऐसे नहीं ऐसे. तो आई गेस उन्होंने सेट का एनवायरमेंट इतना अच्छा रखा था. नॉट ओनली अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बट अ DOP, अ इंटायर क्रू वॉज अमेजिंग. मतलब हर किसी के में ना एक स्माइल होती थी. हम लोग शूट कर रहे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब इतने पॉजिटिव होते थे ना. आप सेट जाने के लिए मरते थे. मतलब हम लोग ऐसे हो गए थे एंड में, यार शूट क्यों खत्म हो गया, ये खत्म नहीं होना चाहिए. डबिंग हो रही है, सर एक हाथ का शॉट, एक क्लोजअप, कुछ तो पैच वर्क बचा होगा, शायद आप कुछ लेना भूल गए होंगे. हम लोग ऐसे थे. This is how the set environment was. We were always positive, always bucking each other up, and so it all starts obviously in any organization या कुछ भी आप कहें, leadership has to be right. and यहाँ पे the producer Nadia was good, Raj was good director, and वहाँ से everything went nicely, and यहाँ से basically this film has been completed and is being released within a span of 6 months. Okay. जैसा आपने कहा कि 30 दिन में शूटिंग खत्म हो गई, बाद में पोस्ट प्रोडक्शन हुआ होगा, प्रोडक्शन हुआ, देन पोस्ट प्रोडक्शन, एंड नाउ मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग, तो ऑल दैट्स गोइंग ऑन. सो वुड इट बी राइट टू से कि आप हर पहलू में इन्वॉल्व थे, बिकॉज यू आर देयर फ्रॉम द इंसेप्शन? आई वाज देयर फॉर द इंसेप्शन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज द प्रोड्यूसर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन. आई डिडंट, आई देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट, बिकॉज पीपल से कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए. आई से, यू नो, forget those old days. जो है, you come in, work honestly with a clean heart. At the end of the day, your effort should count. मैंने काम किया है, सब ने मिलके एक फिल्म बनाई है, एक प्यारी सी स्टोरी है. It's the main hero of our film is a script. It's the script and the music. Our story is what we are proud of. मेरी लाइन चुराई. Music वाली लाइन चुराई. Music वाली मेरी लाइन चुराई. I was involved from the start. I became, how I got involved was a coincidence, obviously, because things didn't work out over there. But we met. Our friendship grew. Raj and I. And then when the producer came on board, I wanted to make sure I was. Mumbai आए हुए थे, इंडिया आए हुए थे, तब राज शेट्टी से मुलाकात हुई. जी जी जी, definitely. I was here, and so I wanted to make sure because it's my responsibility as well. ऐसे नहीं है कि चलो मैं, मेरी तरफ से कोई आ गया है, and that's not in my nature. I make sure it's mine as well, and I will make sure that we all work towards it, get that goal, you know, get that vision, reach it, and because यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, everything can go haywire. Like you said, it's very tough. पर मुझे ये बोलो कि फिल्म तो कंप्लीट कर ली, नॉट टू डिसयूएड यू, न्यू कमर्स, हर इंसान एक पहली बार तो न्यू कमर ही होता है, लेकिन जब न्यू प्रोड्यूसर हो, न्यू डायरेक्टर हो, न्यू चेहरे हो फिल्म में, हाउ आर यू प्लानिंग टू गेट द ऑडियंस इनसाइड इनटू द थिएटर्स? आई थिंक जो हमारी मूवी का कंटेंट है आज के टाइम पे, हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है. वो इवन कंटिन्यूटी जर्क भी होता है ना, तो वो भी पकड़ लेती है, अरे ये इसका तो स्कार्फ यहाँ पर था, यहाँ कैसे चला गया. तो आई गेस आज के टाइम पे ऑडियंस को एक फ्रेश ब्रीथ चाहिए, एक अच्छा ब्रीथ चाहिए कि यस, हमें एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है. और हमारी मूवी के साथ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि नए लोग हैं, नया प्रोडक्शन है, नए डायरेक्टर हैं, नए स्टार्स हैं. व्हाट रियली इम्पॉर्टेंट इज़ हमारी मूवी का म्यूज़िक और कंटेंट दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है. और अभी तक जो हमारा म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है, ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, सब ने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है. सबको पसंद आ रहा है कि यूथ ओरिएंटेड भी है, एज वेल एज एडल्ट्स ओरिएंटेड भी है. इट्स नॉट ओनली फॉर यूथ बट फॉर अ फुल फैमिली. आप पूरी फैमिली के साथ देखने जा सकते हो. इट्स अ क्लीन फैमिली मूवी की, हाँ यार चल ना यार, अब बहुत टाइम हो गया दादा दादी के साथ मूवी देखने नहीं गए, चलो उनके साथ चलते हैं. आई गेस बहुत टाइम हो गया है कि पूरी फैमिली एक साथ कोई मूवी देखने नहीं जा सकी, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न. मतलब यूथ अपने में लगा हुआ है, बड़े अपने में लगे हुए हैं कि ठीक है यार, बड़े अपने, अब बच्चे चले जाएंगे देखने, हम अपना जाते हैं. तो आई गेस ये एक ऐसी मूवी है जिसमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी एक अच्छा मैसेज मिल रहा है कि ठीक है, माना आप समझदार हो, आपने दुनिया हमसे ज़्यादा देखी है, पर अगर हम किसी से प्यार करते हैं और हमें लगता है कि हम उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप हमारे को एक चांस दो. आई थिंक इट्स फेयर इनफ कि हम आपकी बातें माने और आप हमारी बातें मानो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो जनरेशन गैप है, हमारे ऑलमोस्ट 10 years 20 years का डिफरेंस होता है हमारे मॉम डैड के बीच में, उसको फिल करने के लिए आई थिंक वी रियली नीड टू बी फ्रेंड विद देम. हमारे मॉम डैड थोड़ा सा आगे बढ़ के हमारे फ्रेंड्स बने, हम थोड़ा सा अपने आप को इनिशिएट करके उनके दोस्त बने, तो आई गेस हम एक दूसरे की बातें और अच्छी तरह समझ सकते हैं. तो इस मूवी में बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि यार बी फ्रेंड्स विद योर किड्स, पेरेंट्स एंड किड्स. आई थिंक यही चीज़ है जो हमें लगता है कि ऑडियंस को हमारे पास थिएटर तक लेकर आएगी. चलिए, वेरी नाइस. तो द एक्सपीरियंस हैज बीन गुड एंड सो नाउ यू ऑल आर एज मच अ पार्ट ऑफ बॉलीवुड एज any other newcomer would be. Definitely. I mean, that's what I would like to think, and I'm sure she'd like to think. Yeah. And we are optimistic. और कोई फिल्म के offers मिले हैं या you're waiting for the film to release and then waiting for it to release, and we are positive. Let's hope so. Something does come along. Yeah. We are keeping our fingers crossed. चलिए, fingers crossed with you all, and here's wishing both of you many best wishes. कि आप लोगों की पहली फिल्म है, सबकी पहली फिल्म है. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ न्यू कमर्स करियर्स डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म. सो हियर्स विशिंग यू सक्सेस. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, ये थे लीड एक्टर्स ऑफ लव एक्सचेंज, जो इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है. बड़ी चाहत से फिल्म बनी है और बड़े 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 होप्स लेकर ये लोग आपके सामने आ रहे हैं इस शुक्रवार को, तो इस वीकेंड को, इस शुक्रवार को इन्हें एक मौका देना चाहिए बिकॉज न्यू कमर्स से ही इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। लिमिटेड स्टार्स हैं, स्टार्स भी नए जितने आएंगे इंडस्ट्री उतनी ही आगे बढ़ेगी। न्यू डायरेक्टर्स, न्यू प्रोड्यूसर्स, न्यू मनी इज़ ऑलवेज वेलकम इन दिस इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मज़ेदार एक्साइटिंग एपिसोड में। इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com, and if you have any questions relating to the world of cinema तो उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन, टाइप कीजिए BBS, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर। You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahta bidding you goodbye.